हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, किन क्वेश्चन को करेंगे हम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस में कर रहे थे हम? रैपिड रिवीजन बैच के अंदर कर रहे थे। तो मतलब ये रैपिड रिवीजन बैच की फोर्थ क्लास होगी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर सेकेंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है चैप्टर फर्स्ट के, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं, नहीं उन्हें अच्छे से किया है, तो आप इजीली वहां से एक्सेस कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर अगर आप नए आए हो या आप पुराने हो तो एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना साथ में, और शेयर करने का मतलब होता है भाई कम से कम इतना कर देना कि फायदा मिल जाए। फायदा मुझे मतलब इस चीज का फायदा मिल जाए कि वीडियोस पे क्या है भाई, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपसे चाहता हूँ कि जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ उस पर अच्छे व्यू आए, अच्छे लाइक्स आ जाएं, सब्सक्राइबर आ जाएं, ठीक है। तो वो सब आपके सपोर्ट से होगा, तो सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर। ये आपको बताना है कि ये किसकी यूनिट है भाई एसआई। देखिए यहाँ पे अगर न्यूटन कूलम इनवर्स को पढ़ा जाए तो ये सिंपल किसकी बनती है भाई, किसकी बनती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बनती है। किसकी बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बनती है, सिंपल है ना। ठीक है, ये किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। साथ में ये मीटर क्या है? डिस्टेंस है। और तो यहाँ पे इस तरह का एक फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या है? वी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी, ये हमने पढ़ा है। जैसे डी वी बाय डी आर इज इक्वल टू ई, अगर हम देखें माइनस लगा सकते हैं आप, अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो मैग्नीट्यूड में माइनस को हटा देंगे। मतलब ये किस चीज की यूनिट है भाई? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट है। किसकी यूनिट है ये? इलेक्ट्रो, वन मिनट भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट है ये। किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। या सिंपल तरीके से कर लेते हैं कि भाई पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? डब्ल्यू बाय क्यू होती है। और डब्ल्यू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की है मीटर, और कूलम चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर। ठीक है, तो यूनिट किसकी हुई? ये यूनिट भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ये क्वेश्चन आया था लेटेस्ट 2020 में, अभी जो पेपर हुए थे लॉकडाउन से पहले, जो पेपर हो गए थे फिजिक्स का तो हो ही गया था, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल के तो सारे पेपर हो गए थे, और वन मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब से जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें सब पे लिखा होगा कि वन मार्क्स का आया था, वेरी शॉर्ट में आया था, और इसी साल में ये आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब ये टॉपिक पे है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन है, वन मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये, और ये 2011 में आया हुआ है दिल्ली के अंदर, फॉरन के एग्जाम के अंदर और दिल्ली के अंदर। ठीक है, मतलब 16 में दो बार फॉरन में और दिल्ली में, और इसके बाद क्या था, दिल्ली में 11 में भी आया हुआ। तो मतलब यहाँ पे एक चीज देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ये रहा भाई एक पॉइंट चार्ज क्यू प्लस का ये चार्ज है, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे जिसको बोला इन्होंने ए, और एक पॉइंट है यहाँ पे जिसको बोला इन्होंने बी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें वी ए माइनस वी बी का, तो वो कैसा आएगा? वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, वो आपको बताना है। तो देखने से पता लग रहा है अगर हम यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल की बात करें तो वो होगा वी ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की पोटेंशियल की बात करें तो वो होगा भाई वी बी। ठीक है, तो मतलब अगर हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालें वी ए माइनस वी बी, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा भाई इस चार्ज की वजह से क्या होगा? वो होगा के क्यू बाय कितना, आर ए माइनस के क्यू बाय आर बी, इस तरह से ही होगा ना, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो भाई, हमें एक चीज दिख रही है कि यहाँ का डिस्टेंस आर ए और यहाँ का डिस्टेंस आर बी, ये कैसा है? आर ए जो है वो छोटा है किससे, आर बी से। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमें मिलेगा के क्यू, अंदर मिल गया क्या, वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी, और हमें पता लग गया है भाई वन अपॉन, सॉरी आर ए जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू आर बी, तो वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी का जो रिजल्ट होगा वो कैसा आने वाला है, ये रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना इजिली। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी पोटेंशियल की वी ए माइनस वी बी की, वो कैसे आएगी भाई, वो
पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। आई थिंक सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो भाई जब भी क्वेश्चन में बोलूँ कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो लाइक कर दिया करो वहाँ पे, ठीक है, देखते हुए कमेंट कर दिया करो। जब एक बार आप लाइक कर दोगे दोबारा लाइक नहीं करना, फिर वो मतलब लाइक से हट जाता है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गए होंगे आज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक कर लेते हैं। वन बाय वन में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरियल वाइज में सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, वो पहले दो थे, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टू मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली 2012 के अंदर ये आया था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट बताना है आपको किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, किसके बारे में बताना अभी फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो दूसरा पूछा है वो आपका जो ग्राफ है वो किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में है, ठीक है। किसके साथ है इन दोनों का ग्राफ, विद डिस्टेंस आर के साथ है, विद डिस्टेंस आर के साथ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको पता, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होता है, मतलब कि भाई जो ई है वो होगा वन अपॉन आर स्क्वायर के, इस तरह से, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ये बना दिया मैंने ई, ये बना दिया आर, तो इसके हिसाब से जो ग्राफ होगा वो आप देखिए क्या बनेगा भाई यहाँ पे, वो ये ग्राफ क्या बनेगा, वो इस तरह से कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। इसी तरह अगर हम बात करें भाई वी की, पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर, मतलब तो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली होता है किसके, डिस्टेंस के, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होती जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है और इसका ग्राफ बनाना है, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लग जाता है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब ये चीज रहेगी कि अंदाजा हो जाएगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद कि इस टॉपिक पे इस तरह से क्वेश्चन आया, इस टॉपिक पे इस तरह से क्वेश्चन आया, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पोटेंशियल का ड्रॉ करें तो पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे, ये रहा डिस्टेंस, ठीक है, लिखा ही हुआ है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये फिर से भाई ये थोड़ा सा चेंज आएगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये स्केयर में था, ये सिंपल आर्क है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये टू मार्क्स का क्वेश्चन जो नंबर थर्ड है, और ये 2012 के अंदर आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, ठीक है, और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन, अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक बार मैं रब कर दूं इसे, देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भाई, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए तो सब रब हो चुका है, अब करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्या आपको पूछा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल लेना आपको, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हम बना देते हैं, थोड़ा सा ड्रॉइंग में कहीं ना कहीं चेंज आएगा भाई, इतनी अच्छी ड्रॉइंग नहीं है मेरी, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इसका सेंटर है, ये है ए और ये है ए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, इसके एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना है, तो एक्सिस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एक्सिस, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये बात कर रहा है, तो पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नोट कर लें, वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं वो है आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तक का आर माइनस ए, और पूरा कितना हो जाएगा डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस में ए, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, मान लो हम कहते हैं ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, तो ये बोल रहे हैं भाई इस डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पी पे एक्सियल लाइन पे आपको पोटेंशियल निकालना, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट पोटेंशियल लिखे कि इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा भाई, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी पॉइंट, ठीक है। तो पहले ए लिखते हैं फिर बी लिखेंगे, पहले ए लिखते हैं, ए है जो वो नेगेटिव चार्ज की वजह से, किसकी वजह से है, नेगेटिव, तो इसको लिखेंगे माइनस के क्यू बाय आर, आर कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, आर प्लस ए, कितना है आर प्लस ए, ठीक है। इसी तरह से वी बी लिखेंगे, वी भी कितना भाई,
पॉजिटिव चार्ज की वजह से, किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे आएगा प्लस के क्यू बाय आर माइनस ए। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो माइनस है, ठीक है, आर माइनस है। तो आपके पास क्या आ गया भाई, अब आपके पास आ गया वी इज इक्वल टू, वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए की माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए प्लस के क्यू बाय आर माइनस ए, के क्यू बाय आर माइनस ए। तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम हुआ आर माइनस ए आर प्लस ए, ठीक है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पहले कि भाई सिंप्लिसिटी के लिए के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस, ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया ना, तो इधर वाले टर्म आ गई इधर ये आर प्लस ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद आपने ये लिख दिया, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। के क्यू तो वैसे ही कॉमन आ गया भाई, सबसे बाहर कॉमन आ गया ये, क्योंकि दोनों में है ऊपर, तो यहाँ की कौन सी प्लस वाली टर्म आर प्लस ए माइनस, फिर कौन सी आएगी जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस वाली आर माइनस, बट ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस है अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो आर से आर कैंसल, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, v इज इक्वल टू के क्यू, अंदर बचा 2a और नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थोड़ा रब कर लेते हैं इसे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए भाई, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि v हमें मिला क्या, के q इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों है, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी का सेट बन गया, ठीक है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, a माइनस बी और a प्लस बी को अगर हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया दिस, तो q इंटू टू ए क्या होता है भाई, p होता है, q इंटू टू ए क्या होता है, p, डाइपोल मूवमेंट होता है, ये क्या होता है हमारे पास, डाइपोल मूवमेंट, क्या है ये, डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, क्या है ये, डाइपोल मूवमेंट है। तो v इज इक्वल टू क्या हुआ, k, साथ में आ गया p, नीचे क्या आएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये होता है भाई एक्सएल के लिए, किसके लिए होता है ये, एक्सएल के लिए होता है, एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, p, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, k की वैल्यू रख देना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आपकी मर्जी है। तो आप रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, k की वैल्यू, और ऊपर है p, नीचे क्या है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल टू टू डाइपोल एट एक्सएल लाइन, ये रहा, ये क्वेश्चन हो गया, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, दिल्ली 2017 के अंदर आया है, 2017 के अंदर, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया था वो, और 3 मार्क्स के अंदर आया है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखिए, ये पहले 2017 में, उससे पहले 2013 कंपार्टमेंट में भी आया है, 5 वाले क्वेश्चन में ये आया था, मतलब 5 मार्क्स वाले में ये आया था, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी एट पॉइंट एक्स ऑन द एक्सएल लाइन, ठीक है, एक्सएल लाइन पे पूछा है, सिर्फ एक फर्क आएगा, उन्होंने आर की जगह क्या बोल दिया है, एक्स बोल दिया, क्या बोल दिया, एक्स, मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी ऊपर, नीचे क्या है, आर की जगह होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चेंज आएगा, बाकी सब सारे स्टेप सेम, बिल्कुल सेम है। उन्होंने क्या बोल दिया कि आर की जगह एक्स बोल दिया, आर की जगह क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, एक्सएल लाइन पे ही पूछा है, ये भी एक्सएल लाइन पे पूछा, सेम है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन से समझ लो, क्वेश्चन नंबर 4 से, आई थिंक 4th और 5th दोनों क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढ लेते हैं कहाँ पे होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 2 मार्क्स में ये आया है, और कई बच्चों के लगता है अभी 2020 में जो फिजिक्स का पेपर आया था उसमें से करवाए हुए टॉपिक्स नहीं आए हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला है कि n स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉप्स हैं, मतलब इस तरह से ड्रॉप्स हैं, ये लिक्विड ड्रॉप्स हैं, कंडक्टिंग ड्रॉप्स हैं, ये भी याद रखना, हर एक को जो मतलब हर एक का जो रेडियस है वो है r, मतलब एक ये ड्रॉप है इसका रेडियस है कितना r, इस तरह से सबका है, और सबको चार्ज किया जाता है एक पोटेंशियल वी से, इसको पोटेंशियल वी से, इसको वी से, इसको वी से, इसको वी से, इसको वी से, ठीक है। अब ये सारी मिलके ना एक ड्रॉप बनाती है, ठीक है, मतलब ये सारी मिलके एक ड्रॉप बनाती है, ये सारी मिल जाती हैं इस तरह से, इस तरह से मिल जाती हैं भाई, और ये मिलके एक बहुत बड़ा ड्रॉप बनाती है, ठीक है, ठीक है। देखिए मैं इसको बनाऊं तो ये मतलब इस तरह से बड़ा ड्रॉप बन जाएगा,
कि ये बड़ा ड्रॉप बन गया इस तरह से, ये बड़ा ड्रॉप बना दिया इन्होंने अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, ड्रॉप विदाउट एनी चार्ज लीकेज, मतलब यहाँ से कोई चार्ज लीक नहीं हो रहा। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप, अब इस पूरे की पोटेंशियल निकालनी है आपको, पूरे की पोटेंशियल, ठीक है। नई पोटेंशियल आएगी तो डैश लिख दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप निकाल लेता हूँ पहले, पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप, हर एक ड्रॉप की पोटेंशियल, तो वी इज इक्वल टू क्या होगी भाई, के हर एक पे चार्ज कितना है भाई, हर एक पे चार्ज कितना है, इन्होंने सेम पोटेंशियल से बोला है, सेम पोटेंशियल से बोला ना, देखो भाई ध्यान से सुनिए, इसको बोला है सेम पोटेंशियल से, तो सेम पोटेंशियल का मतलब सब पे चार्ज सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा के क्यू बाय कितना आर, ठीक है, के क्यू बाय आर। मान लीजिए ये एक ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ ये चार्ज है कोई, और इससे डिस्टेंस कितने पे, आर पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, आर पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट। तो आप कैसे लिखोगे, के क्यू बाय आर लिखोगे, के क्यू बाय आर लिखोगे, लिखोगे ना, ठीक है। तो ये हर एक का है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें भी जब हम छोटी छोटी ड्रॉप को मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो एक नया ड्रॉप बन रहा है तो उसका रेडियस क्या हो रहा है, अलग आ रहा है, उसका रेडियस क्या होगा, अलग होगा, उसका रेडियस क्या होगा, अलग होगा। तो पहले हमें इसके रेडियस के बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले कैसे करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई, आई थिंक 4/3 पाई आर क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, जो एक सिंगल हमारा ड्रॉप है, जो हमारा एक सिंगल ड्रॉप है, सारे एक ही जैसे हैं, सेम पोटेंशियल से हैं, सेम चार्ज के हैं, सेम रेडियस के हैं, तो इनको हम उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही होगा ना रेडियस, ठीक है। तो वॉल्यूम इसके इक्वल हो गया, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आपके पास आया आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर स्मॉल का क्यूब, ठीक है। तो आर अगर आप निकालोगे तो ये होगा क्या, एन कितना आ जाएगा भैया, अगर आप चेक करोगे तो 1/3 और आर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये आ गया भी ऐसे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, आपके पास आया क्या कि r आ गया हमारे पास n 1/3 r, ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप, रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप, ठीक है, रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, क्या निकालना भाई, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल अब कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीके से देखिए, पोटेंशियल नए की निकालनी है, तो नए की क्या पोटेंशियल होगी भाई, फॉर्मूला क्या होता है, के चार्ज। अब नए का चार्ज क्या होगा, कुछ बड़ा चार्ज बनेगा, उस बड़े चार्ज को हमने लिख दिया क्यू से, क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना भाई, जो इसका रेडियस होगा यहाँ तक, वो रेडियस कितना मान लिया हमने, कैपिटल आर मान लिया, क्योंकि बड़ा ड्रॉप बनेगा तो उसका बड़ा रेडियस होगा, तो इसलिए आर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यू है भाई, जो टोटल चार्ज है, वो कैसे लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, वो क्या होता है, n इंटू में जितने चार्ज है, सब पे चार्ज कितना, q, इसको n q लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया v डैश, कि नया वो नया पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, k q, q कितना है, n स्मॉल q बाय r, r कितना है भाई आपके पास, 1/3 r है, 1/3 सॉरी n 1/3 r है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए एक बात भाई, इस n को ऊपर ले जाओ तो आपके पास बनेगा k q by r, और n को ऊपर ले गए, n ऊपर है जो उसकी पावर है 1, ये ऊपर जाएगा तो -1/3 होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा k q by r n 2/3। अब ये जो चीज है, ये है पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, तो मतलब नया जो पोटेंशियल आया वो क्या है, वो n रेस टू पावर 2/3 पुराने पोटेंशियल का, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। रेडियस का फंडा क्यों लेके आए, क्योंकि छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी ड्रॉप्स एक दूसरे को जब मिल रही हैं तो उनका जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस बढ़ रहा है, तो हमें वो रेडियस चाहिए होता है, इसलिए पहले वो निकाला हमने वॉल्यूम से, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था 2020 में आया है, थोड़ा सा ये लगता था बच्चों को कि ये मुश्किल है, बट मैं आपको बता दूं भाई, इतना कुछ था नहीं पेपर में, मतलब मुश्किल आप बोल सकते हो, बट अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन छोड़ के, देखिए जब कोई यूट्यूबर या कोई टीचर आपको सिलेक्टेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है फिजिक्स के अंदर, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी छोड़ जाओ, ठीक है। पेपर उनका खराब हुआ था
जो सिर्फ लास्ट के 1 या 2 महीने पढ़े थे, जो सारा साल फिजिक्स पढ़े थे उनका पेपर खराब नहीं होता। ठीक है, चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक ये होना है। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q-2QR कैप्ट d डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, दो चार्ज है आपके पास, एक है q और एक है -2q। दोनों को एक डिस्टेंस पे रखे हैं, हमने एक डिस्टेंस पे रख दिया इसको, या रखे हुए हैं वो एक डिस्टेंस पर, जिनके बीच में डिस्टेंस है d। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज q, कि भाई इस चार्ज से रिलेटेड एक पॉइंट हमें निकालना है, लोकेशन हमें निकालनी है, एट विच पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज जीरो। ठीक है, मतलब इस चार्ज से हम कोई एक डिस्टेंस ज़ूम कर लें यहाँ पे, तो इस डिस्टेंस को हमने मान दिया ये कितना है, x है। तो नेक्स्ट वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, को बता सकता है, d माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, d माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें, वो कैसे लिखेंगे, फिर पहले तो यहाँ का लिखेंगे, यहाँ से लेके इस चार्ज का यहाँ, तो इसको मैं मान लेता हूँ पहले क्या, कि भाई इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ तक मान लेते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इस तरह से। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा भाई, ध्यान दें भाई, पहले यहाँ से यहाँ का लिख दें, फिर यहाँ से यहाँ का लिख दें, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज, तो कैसे लिखी जाएगी, वो क्या होगी, देखिए फॉर्मूला होता है के, कौन सा चार्ज है, क्यू, नीचे का आएगा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि उस पॉइंट तक की बात कर रहे हैं और वहां तक का हमें डिस्टेंस पता नहीं, तो वो एक्स लिख दिया। ठीक है, फिर है पोटेंशियल ड्यू टू माइनस टू क्यू चार्ज, तो कैसे लिखेंगे भाई, माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डी माइनस एक्स, कितना है, डी माइनस एक्स। अब इन्होंने क्या बोला है, एट विच पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज जीरो, मतलब इन दोनों की जो चार्ज होगा, पोटेंशियल होगा, वो जीरो होगा, मतलब के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू, सॉरी यहाँ पे टू क्यू आएगा भाई, टू क्यू माइनस टू क्यू आएगा। ठीक है, माइनस टू क्यू अपॉन डी माइनस एक्स, ये सब किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो मतलब ये चीज इधर जा सकती है इजिली, तो ये हो गया के क्यू बाई एक्स, यहाँ से होगा आपके पास क्या, टू के क्यू बाई डी माइनस एक्स। ठीक है, तो के क्यू से के क्यू कैंसिल हो सकता है, आपके पास बचा क्या, 1 बाय एक्स टू डी माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये हुआ डी, कितना हो गया 3x, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, डी बाय थ्री आप निकाल सकते हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही आंसर आया भाई, मतलब इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू डी बाय थ्री, मतलब अगर d आपका 20 है या आपका d 24 है, तो मतलब उसको 3 से डिवाइड करके 8 पर, मान लीजिए d 24 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर पर जाके आपका पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा कि x की वैल्यू कितनी है, वो है d बाय 3। तो अगर हमारे पास d गिवन है, कि d को अगर हम मान लें कि 24 सेंटीमीटर है, तो किस पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल जीरो हो सकती है, 24 बाय 3, मतलब 3 8 24, तो मतलब 8 सेंटीमीटर पर जाकर आपकी जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट के अंदर आया है, ये ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट के अंदर आया था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसको पहले रब कर देते हैं भाई, तो भाई मेरा कहना ये है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ आपको, वो सारे आप अच्छे से रिवाइज कर लिया करो, मतलब रिवाइज क्या है भाई, एक बार वीडियो को भी अगर आप पूरा देख लेते हो ना, तो भी रिवाइज हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, और कोई एक 10 ईयर ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई भी एक 10 ईयर ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास सारे क्वेश्चन होंगे, मैं खासकर जो यूज़ करता हूँ वो MTG का यूज़ करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप MTG का ही लो, आप अरियंत का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट MTG में ये बेनिफिट रहता है कि टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, यहाँ पे पूछा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं,
ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा? पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकलता है, पॉजिटिव से फील्ड कहाँ जाता है भाई? बाहर, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो अगर हम इसका पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, इसके चारों ओर ऐसे, ये वाला ठीक है, और ये वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है देखिए कि भाई जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्यों होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्यों होती है? ठीक है, फर्स्टली भाई देखिए क्या बोला है इन्होंने, कंडक्टर का केस लिया, कंडक्टर में हमेशा परपेंडिकुलर ही होती हैं, और क्यों होती हैं वो सुन लीजिए। ठीक है, व्हाई आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर? देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में लाइंस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, क्यों होती हैं सुनिए। अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, मतलब पैरेलल अगर हम मान ले, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगर हम पैरेलल मान ले, तो हमारे पास जो कंपोनेंट होगा भाई, ठीक है, मतलब जो वर्क डन होगा वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, वर्क डन जो होगा वो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वर्क डन यहाँ पे नॉन जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो वर्क डन आपको जीरो करना पड़ता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यही चीज होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कि भाई आपका जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है भाई, अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो आपको वहां पे जो वर्क कंपोनेंट है वो नॉन जीरो हो जाएगा, उसकी वजह से आपको काम करना पड़ेगा, कि जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पे काम नहीं करना पड़ता, वहां पे जो टोटल वर्क डन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है भाई। तो ऑल इंडिया 2015 और दिल्ली 2014, मतलब देखो एक क्वेश्चन पिछले साल 14 में भी आ रहा है दिल्ली के अंदर, उसके बाद 15 में ऑल इंडिया कंपार्टमेंट के अंदर आ रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्मल क्यों होती है, ठीक है, वो नॉर्मल क्यों होती है, ठीक है। आई थिंक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे 9 तक। नेक्स्ट चलते हैं हमारी लास्ट स्लाइड पर, चलिए तो लास्ट स्लाइड आई थिंक ये बची है, एक मिनट भाई ये थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट करिए। चल ओ इसको जूम करना पड़ेगा, वेट करिए भाई। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फॉरन 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक प्लस चार्ज दिया हुआ है, उससे रेडियली आउटवर्ड जाता है फील्ड, ये सबको पता है, जिसने मेरे लेक्चर लगाए हैं मैंने सारे चैप्टर ये करवा दिए आपको, ठीक है, तो उसको पता होगा कि रेडियली आउटवर्ड जाता है, और पढ़ भी रखा होगा। यहाँ पे दो पॉइंट उसने कंसीडर किए, एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया P और एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया Q। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फिगर शोज द, इसको थोड़ा सा बड़ा और कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं इसको, ये बड़ा नहीं हो रहा अभी, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना आप भाई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये देखिए, फिगर शोज द फील्ड लाइन ऑन ए पॉजिटिव चार्ज इज, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज की फिगर लाइन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू टू पी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, क्यू से पी पे जाने के लिए जो आपका वर्क डन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव पर क्या होगा, गिव द रीजन, जल्दी बताइए आप बता सकते हैं, मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, मैं चेक कर लूं भाई इस क्वेश्चन को, क्यू से पी पे जाना है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे भाई कि चार्ज को हम कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, Q से P पे लेके आ रहे हैं, Q से कहाँ पे लेके आ रहे हैं, P पे। तो देखिए भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू में Q, सॉरी 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 सॉरी
सॉरी भाई सॉरी सॉरी, डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इंटू में क्यू, ठीक है, पोटेंशियल इंटू में क्यू। तो भाई आपका पोटेंशियल पहले दो बार लिखना आपको, चार्ज तो सेम ही है, ठीक है, पोटेंशियल पहले कहाँ पे, पोटेंशियल एट कहाँ पे, क्यू पर, फिर पोटेंशियल एट पी पर, ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे ना, पोटेंशियल एट क्यू, पोटेंशियल एट पी, मतलब ये क्या कर रहा है भाई, क्यू से हम पी पे आ रहे हैं, तो आपको बताना कि जो वर्क डन है वो कैसा हो रहा है। अब एक चीज देखिए भाई, जो पी है मतलब जो डिस्टेंस है आर क्यू, मतलब यहां से इस चार से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर क्यू हमने मान लिया, वो मेरे ख्याल से बड़ा है किससे भाई, आर पी से, किससे बड़ा है आर पी से, ठीक है, मतलब डिस्टेंस बड़ा है इसका क्यू वाले का आर पी से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जो आर क्यू होगा वो क्या होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू वी पी से, सिंपल ही दिख रहा है कि भाई इसकी पोटेंशियल, पी पॉइंट की पोटेंशियल जो होगी वो ज्यादा होगी और क्यू पोटेंशियल की, क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगी वो कम होगी। तो मतलब इसका मतलब जो वर्क डन है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑल इंडिया 2010 के अंदर ये क्वेश्चन, नहीं 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ऑल इंडिया 2014 के अंदर। तो यहाँ पे आपने रीजन देना था, वो रीजन मैंने साथ में दे दिया कि डिस्टेंस क्यू का ज्यादा है आरपी का कम है, और जो पोटेंशियल होता है वो वन अपॉन डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, तो मतलब जो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू है, क्यू पॉइंट की वजह से वो कम है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल ड्यू टू पी पॉइंट। तो अब छोटे में से बड़ा माइनस होगा तो वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, वैल्यू कैसी आएगी भाई, नेगेटिव आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11th क्वेश्चन है, और ये ऑल इंडिया 2010 कंपार्टमेंट में और साथ में दिल्ली के अंदर आया है 2013 के अंदर, 2013 के अंदर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है आपको, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है, कोई एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, मान लीजिए प्लस का चार्ज है, कोई भी चार्ज मान लीजिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है, वो लाइन्स का फर्क पड़ जाएगा कि ये रहा भाई आपके साथ इसका फील्ड, या आउटवर्ड जा रहा है फील्ड, हर एक डायरेक्शन में जाता है इससे फील्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी वजह से इस पे जो पोटेंशियल होगा एक पोटेंशियल सरफेस वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल शेप होती है, कैसी होती है, स्फेरिकल शेप। तो ये बनेगा भाई इस तरह से, स्फेरिकल शेप के, थोड़ा सा ये बराबर बराबर बनाना है इस तरह से, ये लाइन नहीं बनानी, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से बनेगा भाई ये। तो आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हो गई पॉइंट चार्ज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 11 था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चार्जेस आपके पास 2q एंड माइनस क्यू, ठीक है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी, ये रहा प्लस 2 माइक्रो कूलम, ठीक है, ए पॉइंट पर, और दूसरा है बी पॉइंट पर माइनस 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, आपको बताना है डिपिक्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, डिपिक्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये एक सिस्टम है, और सिस्टम सेम चार्जेस का, अपोजिट चार्जेस का, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का हमेशा क्या होता है, डायपोल होता है। मतलब हमें पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे कि भाई ए से कहाँ पॉजिटिव से निकलती हैं, एंटर करती हैं नेगेटिव में, तो फिर से पॉजिटिव से निकलेंगे एंटर करेंगे नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकलेंगे एंटर करेंगे नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकलेंगी एंटर करेंगे नेगेटिव में। मैं इनको सबको बना देता हूँ भाई, इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, और ये ऐसे बन गए। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपको बनाना है भाई क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं वो वहाँ पे, वैसे तो देखिए पॉइंट एक सिंगल चार्ज की वजह से कैसा बनता है, स्फेरिकल। तो बनाते हैं पहले, इसको बनाया ऐसे, फिर दूसरा बनेगा ऐसे, फिर तीसरा, इस तरह से बनाते जाइए, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे, ये बनेगा भाई आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस।
अब यहाँ पे एक चीज देखने के भाई, यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा टाइट बनाया यहाँ पे, और इधर साइड लूज इधर साइड लूज, क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ पोल्स यहाँ पे देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, तो यहाँ इस तरह से बनाना आपको, ठीक है? तो ये रहा भाई क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और 2013 कंपार्टमेंट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज अराउंड ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एट द सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड, ठीक है? देखिए इन्होंने बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज अराउंड ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर। एक सेंटर इन्होंने माना जिसके सेंटर पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चार्ज कुछ भी मान लेते हो, और यहाँ पे एक रेडियस है आर। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं किसी चीज को, किसी पॉइंट चार्ज को मूव करने में इसकी पूरी आर्क पर, इस तरह से मूव करने पर, ठीक है? ये पूछ रहे हैं भाई डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी डिस्टेंस नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये वर्क डन पूछ रहे हैं। तो भाई ये कैसा सरफेस होगा? एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके चारों ओर जो फील्ड होता है वो बराबर होता है, तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह? इक्विपोटेंशियल की तरह। और इक्विपोटेंशियल पे जो वर्क डन होता है ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। कैसा होता है भाई? ऑलवेज जीरो होता है। तो ये थे भाई आज के क्वेश्चन आपके, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रैपिड रिवीजन बैच की। ये फोर्थ क्लास थी, इससे पहले के जितने भी मतलब चैप्टर है, एक ही चैप्टर हुआ इससे पहले का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं इसी के साथ। रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दिया करो, साथ में लाइक करके शेयर कर दिया करोगे, ठीक है? और किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टा पर डीएम कर देना मुझे, फ्यूडल स्टडी के नाम से सर्च कर लेना, आपको आईडी मिल जाएगी, और फॉलो करके साथ में क्या करना भाई, आपने मैसेज भेज देना जो भी आपको क्वेरी हो। चलिए चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए तो किसी को कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टा पर डीएम कर देना भाई। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।